जोजो टीवी। बातूनी खरगोश और ऊदबिला। एक जंगल में घने पेड़ों के बीचों बीच काफी सारे खरगोश रहते थे। वे सभी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। एक खरगोश ने कहा, अरे चलो 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 उस खेत में जाकर गाजर खाते हैं। अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, सब मिलकर चलते हैं। लेकिन वहीं एक पेड़ के कोटर में एक बातूनी खरगोश भी रहता था। एक दिन बातूनी खरगोश ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग खेत में गाजर खाने जा रहे हैं। तुम लोग तो बेवकूफ हो, भला गाजरे खाने भी कोई खेत में जाता है? भाई मैं तो ऑनलाइन ही घर पर ही गाजरे मंगवा लिया करता हूँ, वो भी सीधा खेत से। सभी खरगोश उसकी इस बात पर मन ही मन हंसने लगते हैं कि भला जंगल में ऑनलाइन गाजर भला कैसे आ सकती है। सभी खरगोशों को हंसता देखकर पास के तालाब में रहने वाला ऊदबिला बोलने लगा, अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? खरगोश ने ऊदबिला को सारी बात बताई तो ऊदबिला ने उस खरगोश को सबक सिखाने की ठान ली और उसने खरगोश के पास आकर कहा कि वो पास के तालाब में बत्तख पकड़ने के लिए जा रहा है। यह बात सुनकर खरगोश ने कहा, क्या कहा, बत्तख पकड़ने? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तो चुटकियों में बत्तख को पकड़ लेता हूँ। उसकी बात सुनकर ऊदबिला मन ही मन हंसने लगा और उसे लेकर तालाब के पास चला गया। तालाब के पास जाते ही ऊदबिला पानी में डूबकर बत्तख के पास आने का इंतजार करने लगा। उसे देखकर खरगोश ने भी पास पड़े एक बांस को उठाया और उसे अपने नाक से बांध लिया, पानी के अंदर छुप गया। उसकी हरकत देखकर ऊदबिला हंसने लगा। तभी वहाँ कुछ बत्तखें आईं और खरगोश वाले बांस को उठाकर उड़ने लगीं। नाक से बंधा होने के कारण खरगोश भी बांस के साथ पानी से बाहर आ गया और चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मैं उड़ रहा हूँ, क्या हुआ? बत्तखें खरगोश को लेकर तालाब से बाहर आ गईं। बड़ा आया था हमें पकड़ने वाला, चलो इसे हवा से जमीन पर फेंक दो। बत्तखों ने खरगोश को ऊंचाई से जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही खरगोश को काफी चोटें आईं। हाय राम, मैं तो मर गया। यह सब देखकर ऊदबिला पानी से बाहर निकला और जोर जोर से हंसने लगा। क्यों खरगोश मियां, तुम क्या ऐसे ही बत्तखें पकड़ते हो? मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं आज से कभी बत्तखें नहीं पकड़ूंगा और ना ही कभी इतनी बड़ी बड़ी गप्पे हाँकूंगा। अब खरगोश को उसके बातूनी पन का सबक जो मिल चुका था। चमत्कारी ऊंटनी और अकाल। एक समय की बात है, एक रेगिस्तान के टीले के बीचों बीच सदफ नाम का एक शहर बसा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे क्योंकि वहाँ का सुल्तान बहुत ही ज्यादा अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन सुल्तान के मरने के बाद जब उसका बेटा गद्दी पर बैठा, वह सुल्तान के विपरीत बहुत ही ज्यादा लालची और अत्याचारी था। सभी लोग उसकी बुराई किया करते थे। हमारे नए सुल्तान ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। फिक्र मत करो, इसका इंसाफ तो कुदरत ही करेगी। और वैसा ही हुआ। एक दिन अचानक बहुत तेज भूकंप आया और उस भूकंप के कारण सदफ शहर के पानी के स्रोत सूखने लगे और जमीन फट गई और उसमें से अचानक एक बहुत खूबसूरत ऊंटनी और उसका एक छोटा सा बच्चा बाहर निकले। सभी लोग यह चमत्कार देखकर बहुत हैरान थे। अरे ये कैसा चमत्कार है, यह तो कोई चमत्कारी ऊंटनी लगती है, चलो चलो इसे देखते हैं। हाँ हाँ चलो देखते हैं। सभी लोग उसके आसपास जाते हैं और दूर से ही उसे देखने लगते हैं। अपने आसपास इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर ऊंटनी का बच्चा उसके पास आकर छुप जाता है। तभी वह उन लोगों से कहती है, देखो मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी,
मुझे ईश्वर ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं पहाड़ों के ऊपर जा रही हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें दूध, फल और खाने की चीजों की कमी नहीं होने दूंगी। बस मुझे पानी पिलाते रहना। सभी लोग यह सुनकर हैरान हो गए। तभी ऊँटनी के थनों से दूध बहने लगा और पूरा शहर धन्य धान्य से भर गया। ऊँटनी सबको खाने की चीजें देकर अपने बच्चे के साथ खूब सारा पानी पीकर पहाड़ों में चली गई। अब ऐसा ही निरंतर चलता रहा। ऊँटनी समय समय पर अपने बच्चे को लेकर शहर में आती, खूब सारा पानी पीती और लोगों को खाने पीने की चीजें देकर वहाँ से चली जाती। सभी लोग बहुत खुश थे। शहर में फिर किसी चीज की कमी न थी। लेकिन एक दिन जब यह बात अत्याचारी सुल्तान के कानों में पड़ी तो उससे रहा न गया। उसने अपने सेनापति से कहा, सेनापति जाओ और अभी के अभी उस ऊँटनी को हमारे सामने पेश करो। सुल्तान ने ऊँटनी से कहा, हमने सुना है तुम बोल सकती हो, तुम चमत्कारी हो, हम भी तुम्हारा चमत्कार देखना चाहते हैं। और जो देना है हमें दो, हमारी रियाया को नहीं। नहीं नहीं सुल्तान, मुझे तो ईश्वर ने लोगों की मदद के लिए भेजा है, आपकी मदद के लिए नहीं। ऊँटनी के मुंह से यह बात सुनकर सुल्तान को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ऊँटनी और उसके बच्चे को मारने का आदेश दे देता है। लेकिन इससे पहले कि सैनिक उन्हें मार सकें, धरती फटती है और ऊँटनी और उसका बच्चा उसमें समा जाते हैं। और उस ऊँटनी के श्राप के कारण आज तक सदफ शहर के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। काली कोयल और तोता। एक नदी के पास आम और अमरूद का बहुत बड़ा पेड़ था। आम के पेड़ पर कोयल का जोड़ा रहता था और अमरूद के पेड़ पर तोते का जोड़ा रहता था। वो हर वक्त आपस में झगड़ा करते रहते थे। कोयल को अपनी आवाज पर बहुत घमंड था। वो बहुत सुंदर गाती भी थी और तोते को अपने रंग पर बहुत घमंड था क्योंकि उसका रंग बहुत सुंदर था। दोनों कोयल बहुत चालाक थी। बड़ी कोयल ने कहा, सुन तोते, मेरी आवाज इतनी प्यारी है कि लोग मेरी आवाज सुनकर सुबह जाग उठते हैं, उनके दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं और उनका मन खुशी से झूम उठता है। तोता उन्हें कुछ नहीं कहता, चुपचाप कोयल की बात को सुनता रहता है और घूमने के लिए उड़ने लगता है। छोटी कोयल कहती है, मुझे भी घूमने जाना है। नहीं नहीं, हम ज्यादा धूप में उड़ेंगे तो हम और भी ज्यादा काले हो जाएंगे। और हाँ, आज से हम नदी में सुबह और शाम दोनों समय नहाने के लिए जाएंगे, समझी? छोटी कोयल कहती है, मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे नदी में डर लगता है, मुझे नहीं नहाना। एक बार नहाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। एक दिन छोटी कोयल ने सोचा, हाँ, ये तोता अमरूद खाता है, इसीलिए ये इतना सुंदर है। आज जब ये दोनों तोते घूमने जाएंगे तो मैं इनके पेट से अमरूद लेकर खाऊंगी, फिर मैं भी सुंदर हो जाऊंगी, तो समय नहाना नहीं पड़ेगा। तभी बड़ी कोयल कहती है, हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और तुम भी ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? नहीं तो कल वो हमारे पेड़ से आम तोड़ेंगे, उनकी आवाज हमारी जैसी प्यारी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम मेरे साथ नहाने चलो, हम दोनों सुबह शाम नहाएंगे तो हम भी सुंदर हो जाएंगे। चलो ना, चलो नदी पर। छोटी कोयल कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना, मैं तंग आ चुकी हूँ रोज दो दो समय नहाकर, हाँ, जरा सा भी रंग नहीं बदला। बड़ी कोयल छोटी कोयल को जबरदस्ती नदी पर ले जाती है। जब वो दोनों नहा रही होती हैं, अचानक से नदी में एक जंगली मछली आ जाती है और छोटी कोयल को दबोच लेती है। बड़ी कोयल रोने लगती है और अकेली रह जाती है। दयालु मछली। एक छोटी सी नदी में बहुत प्यारी मछली रहा करती थी। उसका नाम था नैना मछली। उसके साथ नदी में जितनी भी मछलियाँ थीं, वो उसे रानी मछली नैना कहकर पुकारा करती थी।
क्योंकि वो बहुत दयालु और मुसीबत में सबका साथ दिया करती थी। इसीलिए रानी मछली भगवान पर पूरा विश्वास रखती थी। एक बार नदी में अचानक बहुत तेज बाढ़ आ गई। पानी जोर जोर से उछलने लगा। सभी पानी के जीव परेशान हो गए। रानी मछली ने कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं, हम इस बाढ़ का मिलकर सामना करेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो, आओ मेरे साथ। रानी मछली की बात सुनकर सभी मछलियों को जोश आ गया और सभी एक साथ तैरने लगी। और तैरते तैरते वे सब जहाँ पानी का बहाव हल्का था वहाँ पहुँच गईं। तभी एक छोटी नन्ही मछली को बहुत तेज भूख लगी, तो उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकती, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। छोटी मछली की बात सुनकर रानी मछली ने कहा, अरे अरे रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें खाना दूंगी, आओ चलो पहले हम खाना खाते हैं। रानी मछली इतनी दयालु थी कि खुद भूखी रहकर भी उसने दूसरी मछलियों को अपना खाना दे दिया। डरो मत, हम सब यहाँ पर सुरक्षित हैं, यहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत कम है। सभी मछलियाँ बहुत खुश हो गईं। पर कुछ दिनों बाद उस नदी का पानी सूखने लगा। मछलियाँ डर गईं। अब क्या होगा, वो सब रानी मछली के पास गईं। रानी मछली प्रभु के ध्यान में मग्न थी। रानी मछली, रानी मछली, आंखें खोलो और जरा देखो, यहाँ पर तो पानी कम हो रहा है, जल्दी कुछ करना होगा। तभी रानी मछली बोली, तुम सब डरो मत, कुछ नहीं होगा, प्रभु पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, चलो मेरे साथ आओ। रानी मछली अपने साथ सभी मछलियों को लेकर जाती है और सब मछलियों के साथ मिलकर वहां से निकलने का रास्ता बना लेती है जो एक तालाब में निकल रहा था। सारी मछलियां मिलकर रास्ता बनाती हैं और एक एक करके वहां से निकलकर एक तालाब में पहुंच जाती हैं। सारी मछलियां बहुत खुश होती हैं और सब मिलकर रानी मछली का धन्यवाद करती हैं।